जब भी हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, जब भी क्लोज सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, तो हम कहेंगे कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन है वो दो टाइप का होता है। हमने कहा मैटर का एक्सचेंज होता है और हीट का एक्सचेंज होता है। अब अगर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ और सिस्टम, जैसे हम चाय बनाते हैं, है ना, तो चाय का जो केटल से या जो हम सॉस पैन होता है उसे पानी भी एक्सचेंज हो रहा होता है सराउंडिंग में और हीट भी एक्सचेंज हो रही होती है, तो हम कहेंगे वो ओपन सिस्टम है। सिस्टम क्लोज कब कहा जाएगा? जब मैटर का एक्सचेंज सीज हो जाएगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो मैटर जब एक्सचेंज नहीं होगा तो हमें एक दीवार तैयार करनी पड़ेगी चारों, मैटर के चारों तरफ। तो वो जो दीवार होगी वो मैटर को तो क्या करेगी, सीज कर दी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो हीट एक्सचेंज कर रही है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उस वॉल को हम कहेंगे, जो वॉल हमने तैयार किया है दैट इज कॉल्ड द डायाथर्मिक वॉल, है ना। और अगर वो हीट को भी एक्सचेंज नहीं कर रही है ना मैटर को एक्सचेंज कर रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, वो अपने आप में ही जो है, है ना। और जो वॉल खड़ी करी गई है इसके अगल बगल में, जो दीवार है, उसे हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक वॉल कहेंगे, है ना। दो चीजों की बात आती है। लेकिन वहां मैटर जब सीटी आती है तो मैटर तो निकलता है, वहां पे वेपर निकलता है ना, ठीक है। तो हम एडियाबेटिक वॉल कम हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो कि कोई कोई हम लोग ग्लास ले लें, है ना, स्टील की ग्लास या ये बॉटल ले लो, ठीक है। और बॉटल क्या हो, वो ये वाली ना हो, थर्मस ना हो, ठीक है, हाँ सिंपल हो, तो वो क्या होता है कि अंदर से बाहर, जैसे कि हम पानी भर देते हैं, किसमें, बॉटल आती है ना, वाटर बॉटल, ठीक है, हाँ, तो उसमें पानी भर देते हैं तो पानी तो नहीं निकलता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो ठंडा गर्म हो सकता है, है ना। तो फ्रिज उसका हीट एक्सट्रैक्ट कर सकता है ना, या सराउंडिंग को वो हीट दे सकता है, तो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना। लेकिन जो बिस्लरी की बॉटल है उसमें पानी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो जो प्लास्टिक है वो किस टाइप के दीवाल का काम कर रहा है, किस टाइप की वॉल है, डायाथर्मिक वॉल है। ये बात समझ में आ गया ना, ठीक। अब हम लोगों ने कहा कि ये जो प्रोसेस है, मान लीजिए कि ये स्टेट वन है, स्टेट थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं, स्टेट का मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट, स्टेट वन है, और ये स्टेट टू है, स्टेट टू है। अब स्टेट वन से स्टेट टू हम कितनी तरह से जा सकते हैं, यहां पे हम कहेंगे दे आर थ्री थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, प्रेशर है ना से पी वन है, और वॉल्यूम से वी वन है, और टेम्परेचर क्या है, टी वन है। ये बस समझे, या पी वी टी कह ले हम लोग, प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी, और टेम्परेचर क्या है, टी है। अब हमारे पास तीन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं? तो आंसर है नहीं, ये डिपेंड करते हैं, इनमें से सिर्फ दो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर दो पता है तो तीसरा क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो रास्ता क्या है निकालने का, अगर तीसरा पता करना है, तो उसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लिखते हैं, आइडियल गैस, है ना, इक्वेशन। और जो भी हम यहां बात करेंगे अभी वो आइडियल गैस के लिए बात करेंगे, है ना, इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, एन आर टी, जहां पी क्या है, प्रेशर, हाँ, वेयर पी हो गया प्रेशर, है ना, ऑफ गैस, जो यहां गैस है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है पिस्टन पे, प्रेशर या दीवार पे, प्रेशर। और वी क्या हो गया, वॉल्यूम, और हमारा टी क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, मतलब केल्विन में लेना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट में नहीं लेंगे, हमेशा किस में लेंगे, केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल गैस है, कितना आपने गैस भर रखा है ना। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि टायर में हवा कम हो जाती है तो हम लोग और हवा डलवा देते हैं, है ना, इसका होता हमें नंबर ऑफ गैसेस, गैस के पार्टिकल्स हमने क्या कर दिए, इजेक्ट कर दिए, ज्यादा भर दिए उसमें, है ना। तो गैस के पार्टिकल, ये नंबर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के कितने मोल्स है ना, ऑफ गैस। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कहा जाता है ना, हाँ, आर, ठीक है, गैस कांस्टेंट,
गैस कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो अब देखिए इनमें से अगर मान लीजिए P और V पता है तो यहां से T निकाल लेंगे, NR से डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए अगर हमें प्रेशर निकालना है और वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तब भी पता कर लेंगे। तो ये ऐसी इक्वेशन है, ये ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसे सारी आइडियल गैस फॉलो करती है। इसका मतलब ये तीनों हमें देने की जरूरत नहीं है, कोई दो दे दिया जाएगा और तीसरा हम इस इक्वेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आया ना? तो हम कहेंगे कि दीज थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू। अब हम स्टेट वन से स्टेट टू में जाना चाहते हैं, स्टेट वन से स्टेट टू में जाना चाहते हैं, लेकिन मोड क्या होगा? अगर मान लीजिए हम यहां से यहां जा रहे हैं और हमने क्या कर दिया कि पिस्टन को ला के एकदम फिक्स कर दिया, पिस्टन को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, पिस्टन को हम मूव नहीं करा रहे हैं। और अगर पिस्टन को मूव नहीं कराओगे इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाला है। और अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो इसको तो प्रेशर तो बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब भी इस तरह से सिस्टम को चेंज करते हो क्या करके, वॉल्यूम फिक्स करके, जब वॉल्यूम फिक्स करके हीट सप्लाई करोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर बिकम पी डैश कुछ हो जाएगा, है ना? और वॉल्यूम तो वही रहने वाला है लेकिन टेम्परेचर भी चेंज होगा कि वही रहेगा, चेंज होगा, क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, टी डैश हो गया। तो हमने कहा कि ये ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। और जब भी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आपने क्या किया, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 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 सिग्नेचर स्टेप हो गया इसका, हम कहेंगे V क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई हमसे ये कहे कि डेल्टा V, dV क्या होगा, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। ये बात समझ में आ गया ना? तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। और जो भी वॉल्यूम है अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, वो घटेगा या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लिया आइसोकोरिक प्रोसेस है, अब इसमें हम लोग देखते हैं वर्क निकालते हैं, है ना? तो लिखे वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी वर्क निकालते हैं हम लोग तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में, क्या होता था, P इंटू डीवी होता है, ठीक है। वर्क का ये जनरल फॉर्मूला है, प्रोसेस कोई भी हो हमेशा क्या लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ P इंटू डीवी। लेकिन यहाँ पे डीवी क्या है, बोलो, जीरो है, तो यहाँ पे रख दे हम लोग, तो इंटीग्रल P इंटू जीरो हो गया, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। इससे क्या पता चलता है, तो देयर इज नो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता है, तो देयर इज नो वर्क डन इन आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, स्टॉप। मोर वाले पे, मोर वाले पे ऊपर मोर करके आ जाएगा आपसे। तो देखिए ग्राफ में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो पीवी वेरिएशन देखेंगे, हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, क्या क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो पूछा जाता है एग्जाम में आपको स्कूल लेवल पे, वो पीवी ग्राफ पूछा जाता है। तो पहला क्या हो गया, इसमें पहला हो गया पीवी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो देखिए प्रेशर वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रेशर हो गया वाई एक्सिस पे, और जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया एक्स एक्सिस पे। तो वॉल्यूम हो गया एक्स एक्सिस पे। अब वॉल्यूम फिक्स है,
जैसे हमने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा है, लेकिन कुछ भी होता रहे तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, इसका मतलब कि लाइन क्या होगी, वर्टिकल होगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बदलेगा नहीं, लेकिन प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। लेकिन ये भी दो टाइप का ग्राफ हो सकता है, जैसे हमने कहा कि लाइन तो वर्टिकली रहनी है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना है, लेकिन इसमें एरो की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, एरो किधर की तरफ लगा हुआ है, एरो का अपना मतलब होता है, इसीलिए आप जब इसको पढ़ा करिए तो ध्यान दिया करिए एरो पे। तो हम लोगों ने कह दिया कि दूसरा ये ग्राफ हो सकता है, ठीक है, ये कोई वॉल्यूम है, ये भी कोई ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एरो हो सकता है ऊपर हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देखिए प्रेशर क्या चलता होता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अगर एरो नीचे है इसका मतलब प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन इंक्रीजिंग प्रेशर है, और यहां पे क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है लेकिन प्रेशर क्या है, डिक्रीजिंग है, ये बात समझ में है ना, तो ये हो गया पीवी ग्राफ, ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग प्रेशर यहां लिख लेंगे, है ना, इंक्रीजिंग प्रेशर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, ऐसे लिख दे रहे हैं ना, ठीक है, ये एक पॉइंटर हो गया। दूसरा यहां पे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस विथ डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, रिस्टार्ट है ना, ठीक, तो देखो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है ना, अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हमें पता क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, वी क्या है, कांस्टेंट है ना, वी नॉट विच इज कांस्टेंट, हम ये मान सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इस इक्वेशन को यूज करते हैं, हम लोग कहेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन चाहिए, और पी और वी की जगह पे क्या रख दे, वी नॉट, कांस्टेंट वैल्यू कोई ले लिया, पर्टिकुलर वॉल्यूम इक्वल्स टू एन मोल गैस है, आर इंटू क्या हो गया, टी हो गया, इसका मतलब पी इक्वल्स टू वी नॉट, इधर ले जाते हैं तो एन आर अपॉन क्या हो जाएगा, वी नॉट, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, ब्रैकेट में सारी चीजें कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम क्लोज है, ना तो कोई बाहर से गैस एक्स्ट्रा आएगी, ना तो अंदर से कोई गैस बाहर जाएगी, तो एन क्या हो गया, फिक्स हो गया, आर वैसे भी फिक्स होता है, और हमने उसको फिक्स कर रखा है पिस्टन को, तो वी कांस्टेंट है, तो ये ब्रैकेट पूरी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है, ये बात समझ में आया ना, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और जो नेचर ऑफ ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब भी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, तो ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द क्या होता है, ओरिजिन होता है, हमेशा ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, ठीक है, ऑलवेज, तो यहाँ पे वैसा ही नेचर मिल रहा है, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि प्रेशर को वाई एक्सिस पे रखते हैं और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे, तो प्रेशर इधर हो गया टेम्परेचर, है ना, उसके बाद यहां पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, है ना, ठीक है, यस सर। अब देखो प्रेशर तो जीरो होगा नहीं ना, वॉल्यूम जीरो होने वाला, तो कुछ दूर हम लोग डॉटेड बना देते हैं ना, यहां तक रियल लाइफ के लिए डॉटेड रहेगा। अब जो इस लाइन का स्लोप है, जो ये ब्रैकेट है, ये स्लोप को बता रही है, किसको बता रही है, स्लोप को, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप दैट गिव्स एन आर अपॉन क्या देगा, वी नॉट, ठीक है, तो ग्राफ हो गया। अब
एरो इसमें भी दो टाइप की हो सकती है, एरो अंदर की तरफ हो सकता है और एरो बाहर की तरफ हो सकता है। ये बात समझ में है ना? तो दो ग्राफ हम इसका भी बनाएंगे। अब ये बताओ कि अगर एरो बाहर की तरफ है, बताओ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ठीक है टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी प्रेशर भी क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। और अगर ये अंदर की तरफ है तो प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाँ पी एंड टी बोथ आर इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस। और इस वाले में क्या है, पी एंड टी बोथ आर डिक्रीजेस, ठीक। ठीक आ गया। कोई आया है क्या? चलो मीटिंग कर लेते हैं। नोट करो, तो नोट करो, हम कर रहे हैं। देखो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, अब वॉल्यूम फिक्स हो गया है, हमने कहा कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमने क्या कह दिया, कोई वी नॉट ले लिया। अब ये वॉल्यूम नहीं बदलने वाला है, इसका मतलब ग्राफ ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां भी वी नॉट ले लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है एरो के हिसाब से, क्या होगा, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना एरो के हिसाब से। और अगर एरो यहां ऐसे लगा दे तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस है विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ये रिलेट कर सकते हैं हम लोग, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। हमने क्या ध्यान दिया कि स्टेट वन से स्टेट टू अब जाएंगे, लेकिन अब हम वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, हम प्रेशर मेंटेन रखेंगे कि कांस्टेंट रहे, प्रेशर चेंज ना हो। ये बात समझ में आया ना, जो ही प्रेशर बढ़ेगा है ना वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ताकि प्रेशर क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, है ना। प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम भी कम कर देंगे, ताकि है ना प्रेशर मेंटेन रहे। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि प्रेशर क्या रहे, मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। ये बात समझ में आ गया? तो हम ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे प्रेशर कांस्टेंट करते हुए हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। इसका मतलब कि पिस्टन क्या है, मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा, इसका तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। हम प्रेशर मान ले रहे हैं पी नॉट कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी पी नॉट है और यहां भी पी नॉट है। अब ये मूव कर सकता है, जब मूव करेगा तो नीचे ऊपर पिस्टन जाएगा, तो हम थोड़ा इसको लोकेट कर देते हैं, डिसलोकेट कर देते हैं अपनी जगह से। तो हमने कहा अब ये डिसलोकेट हो गया, इसका मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट जब होता है तो इस तरह से जब सिस्टम को चेंज करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस है।
क्या है ये? आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस। इसका मतलब कि P क्या है? P नॉट मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन प्रेशर dP क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना? प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में वर्क तो होगा, है ना? वर्क निकाले कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे वर्क इन आइसोबारिक प्रोसेस। सर इसका भी फिगर बनाना है। हां कौन सा एक नोट सुन रहे? ठीक है देखो, तो क्या लिख रहे हैं? वर्क है ना इन कौन से प्रोसेस में? आइसो बारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस। तो हम लोग वर्क की डेफिनेशन जानते हैं, एक ही तो जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ P इंटू dV, है ना? कहां से कहां तक? V1 से किसी वॉल्यूम V2 तक। पहले इनिशियल वॉल्यूम कुछ V1 रहा होगा और फिर उसे चेंज करके हमने V2 कर दिया है। V2 कम भी हो सकता है V1 से, कंप्रेशन हो गया, और V2 क्या हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है V1 से, है ना? एक्सपेंशन हो गया। फिर तो हम कहेंगे कि P क्या है? P नॉट है, है ना? V1 से V2, तो ये कहेंगे ये P नॉट है, dV हो गया। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर जा सकती है ना? कांस्टेंट ऑलवेज इंटीग्रेशन से क्या हो जाते हैं? बाहर जा सकते हैं। अब हमने क्या किया? छोटे 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 वॉल्यूम चेंज कर दिया है, है ना? और कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पे आप ये इंटीग्रल, अगर आपके पास dx है ना, इसे कहते हैं 1 dx, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ये बात समझ में आया ना? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे भी तो वैसा ही है, लेकिन x नहीं होगा, क्या होगा? v हो जाएगा। इसका मतलब दैट कुड बी रिटेन एज ए v, और कहां से कहां तक? अपर लिमिट v2 रहेगी और लोअर लिमिट क्या रहेगी? v1 रहेगी। तो इसको और क्या लिखा? अपर लिमिट प्लेस करोगे p नॉट इनटू क्या हो जाएगा? v2 और माइनस क्या हो जाएगा? v1, अपर लिमिट और फिर प्लेस किया माइनस लोअर लिमिट। और इसे v2 माइनस v1 को हम क्या कहेंगे? चेंज इन वॉल्यूम, है ना? कि पहले मान लो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब था और बाद में 80 हो गया, तो ये हो गया 80 और माइनस क्या हो गया? 10, 70 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट कुड आल्सो रिटेन एज ए पी नॉट इनटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। ये बात समझ में आया ना? और एक बात और है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया पी नॉट इनटू डेल्टा वी, लेकिन इस गैस को अगर इस्तेमाल करें, इस गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करें, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि P into delta V, या delta दोनों पे लगा देते हैं, delta PV equals to क्या लिखेंगे? delta N R और क्या हो जाएगा? T। अब ये बताओ कि delta के इधर क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं? P तो चेंज नहीं हो रहा है, तो P बाहर आ जाएगा, और क्या बन के? P नॉट बन के, कॉन्स्टेंट है वो, तो delta क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। और यहां से ना N चेंज हो रहा है क्योंकि सिस्टम क्लोज है, और R गैस कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी नहीं चेंज होना है, दोनों बाहर आ जाएगा, N R, और क्या हो जाएगा? डेल्टा T हो जाएगा। इसका मतलब P नॉट इनटू डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? N R डेल्टा T लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना? तो ये रख देते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कहेंगे हम लोग? जो वर्क हो जाएगा वो P इंटू डेल्टा V भी लिखा, P नॉट इंटू डेल्टा V भी लिखा जाएगा, और इक्वल्स टू ये भी लिखा जाएगा N R इंटू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वर्क का पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी वर्जन आपको दिया जा सकता है। देखिए, तो ग्राफ इन आइसोबारिक प्रोसेस, अब इसमें भी सबसे पहला प्राइमरी जो स्कूल में पॉपुलर होता है पीवी डायग्राम होता है या पीवी ग्राफ होता है ना, ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो पहला इसमें देखेंगे हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्राफ। तो हम लोग कुछ पता है कि प्रेशर को वाई एक्सिस पे रखते हैं,
और प्रेशर जब वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, तो इस बार पी कुछ पी नॉट है ना, प्रेशर क्या है, पी नॉट है, लेकिन ये नहीं बदल रहा है। अब ये पी नॉट नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये पी नॉट बना रहेगा हर समय, वॉल्यूम घटता बढ़ता रहेगा। इसका मतलब इसमें भी दो ग्राफ पॉसिबल है, एक वॉल्यूम इंक्रीज करे मतलब एक्सपेंशन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज करे मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। क्या हो गया, कंप्रेशन। तो हम कहेंगे यहां पे कुछ पी नॉट है प्रेशर। अब जो ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया उसकी एरो दो टाइप की हो सकती है, ये क्या हो गया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम दैट मींस एक्सपेंशन, और यहां पे क्या हो गया विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब क्या है, आइसोबारिक कंप्रेशन कहा जाएगा, और ये आइसोबारिक क्या कहा जाएगा, एक्सपेंशन कहा जाएगा, ठीक है। लिखें बिजी हो जाते हो तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे पी वर्सेस टी ग्राफ, है ना। तो पी अब भी कांस्टेंट है, पी को हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर है उसे एक्स एक्सिस पे। तो प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब कि जब पी नॉट आप मार्क करोगे यहाँ पे पी नॉट, तो ये बदलने वाला नहीं है, मतलब अभी भी ग्राफ क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, या पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस होगा। इसी लेकिन इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, एक में टेम्परेचर इंक्रीजिंग दिखाएंगे और दूसरे में क्या दिखा सकते हैं, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पे पी नॉट हो गया, और ये एरो यहां पे हम लोग दिखा दिया कि ये एरो इंक्रीजिंग है, मतलब टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, हम लोग जानते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर पी नॉट कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, लेकिन कैसे वेरी कर रहे हैं, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से पता चलेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन में पी को हम क्या रख देते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी नॉट, पी की जगह पी नॉट रख दिया, वी इक्वल टू एन आर टी हो गया। तो अब वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन पी नॉट, और इनटू क्या हो गया, टी। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखिए कांस्टेंट है, क्यों, एन कांस्टेंट है, क्योंकि सिस्टम क्लोज है, ना तो गैस अंदर आएगी कोई एक्स्ट्रा, ना अंदर से गैस बाहर जाएगी, एन कांस्टेंट हो गया, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर हम लोग जानबूझ के कांस्टेंट रखे हैं, है ना, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं। इसका मतलब कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर के, मतलब वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर भी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो नेचर ऑफ ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। तो जो ग्राफ होगा v वर्सेस t, ठीक है, v को हम रख रहे हैं y एक्सिस पे और टेम्परेचर कहां रख रहे हैं, x एक्सिस पे, तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमें, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या देगा हमें, स्लोप देगा nr अपॉन p नॉट। तो स्लोप इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी। अब इसमें भी एरो ऊपर की तरफ हो सकती है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अंदर की तरफ है तो कंप्रेशन हो जाएगा, आइसोबारिक कंप्रेशन हो जाएगा, ये बात समझ में आया ना। और अभी ये जो बताया है हमने, ये आइसोबारिक क्या है, एक्सपेंशन है। दूसरा ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से, ठीक, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एक्सपेंशन होगा तो वो बाय द रूल है।
अब देखिए, हम लोगों ने सिस्टम को एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज किए। पहला हमने किया वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया था, वेल्ड कर दिया था। आप कहोगे इसका मतलब कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस था, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया कि वॉल्यूम को फ्री छोड़ दिया, वो घट बढ़ सकता है। तो हमने ये मॉनिटर किया कि प्रेशर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, प्रेशर चेंज ना हो, है ना। तो उसे हम आइसोबारिक प्रोसेस कह रहे थे। लेकिन इन दोनों के सिवा अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को चेंज कर रहे हैं लेकिन आप मॉनिटर कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज ना हो, है ना, तो टेम्परेचर चेंज ना हो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर से टी नॉट। हमने मान लिया कि टी नॉट आपने कोई वैल्यू फिक्स कर रखी है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसो थर्मल प्रोसेस। जैसे रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है, जब भी आइस क्या होती है, मेल्ट करती है, तो टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता है ना घटता है जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। इसी तरह से जब कोई चीज बॉइल करते हैं तो टेम्परेचर पहले नीचे बॉइल ले जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए है, 26 27 28 है ना, 90 99 और 100 हो जाएगा। 100 होते ही टेम्परेचर, जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो हीट सप्लाई तो हो रही है लेकिन अब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहां पे बॉइलिंग होगी, फिर आपकी हीट जा कहां रही है, आपकी हीट जा रही है स्टेट चेंज करने में, क्या कर रहे हो, लिक्विड से गैस जो बन रहा है वो सारी की सारी आपकी हीट कन्वर्ट हो रही है या यूज हो रही है। इसका मतलब जो मेल्टिंग है ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो बॉइलिंग है वो भी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइस जब मेल्ट करना स्टार्ट करेगी सराउंडिंग से हीट लेके, तो टेम्परेचर मेंटेन रखेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक पूरी तरह से पानी ना बन जाए। ये बात समझ में ना, तो दोनों ही प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, टी इज इक्वल टू टी नॉट कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डीटी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, अब इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो था, आइसोबारिक प्रोसेस में पी इंटू डेल्टा वी नॉट, है ना, या फिर पी नॉट इंटू डेल्टा क्या था, ठीक है, डेल्टा वी था, है ना, या फिर एनआर डेल्टा टी भी कह रहे थे उसको। अब इसमें देखते हैं क्या आता है, तो वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक डेफिनेशन से। सिंस जो वर्क होता है ये इंटीग्रल ऑफ पी क्या होता है, डीवी होता है। ये बात समझ में आया ना, इसे डिफरेंशियल वर्क कहते हैं। खैर, किसी वॉल्यूम वी वन से कहां तक, वी टू तक। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं कि पी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। तो पी को आप हटाइए यहां से, पी को क्या लिख के हटा देंगे आप, एन आर, और टी की जगह टी नॉट लिख दे, अपॉन क्या हो जाएगा, वी। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या होने वाला है, दैट कुड बी रिटेन एज ए इंटीग्रल ऑफ वी वन से वी टू और एन आर टी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, वी और डी वी। अब देखिए एन भी कांस्टेंट है, सिस्टम क्लोज है, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टी नॉट है ना इंटेंसली कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, और ये तीनों बाहर आ जाएंगे लेकिन भी नहीं आएगा क्योंकि वो बदल रहा है। तो क्या होने वाला है, अब दैट कम दैट रिटेन एज ए डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर टी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा ना, इंटीग्रल ऑफ वन बाई वी डी वी। अब ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वन बाई एक्स डी एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, क्या होता है, log x। तो आप इसको क्या लिखोगे, n r t नॉट, log को ln लिखते हैं, log with base e, ln है ना, ln v हो जाएगा, और अपर लिमिट ये v2 था और यहाँ पे क्या था, v1 से v2 जा रहे थे,
फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल क्या था V1, अब अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट, तो ये आप लिखोगे एन आर टी नॉट, अपर लिमिट प्लेस करो तो एल एन वी टू, अब फिर क्या प्लेस करेंगे माइनस हाँ एल एन वी वन, एल एन वी वन। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम है ना, यहां लिख दे रहे हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको लॉग एम अपॉन एन लिखते हैं है ना, लॉग एम अपॉन क्या लिखते हैं एन है ना, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। इसका मतलब यहां कैसे अप्लाई हो जाएगा, एन आर टी नॉट एल एन क्या लिखोगे वी टू अपॉन वी वन हो जाए, समझ आ गया। तो ये वर्क आ गया किस प्रोसेस के लिए, आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए,